बारको यूनिवर्सिटी तलबा यूनिवर्सिटी ने बहुत बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। तलबा के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो फेल नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये नोटिफिकेशन आप खुद भी देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पूरी बात को आपने अच्छे से सुनना है और आप जानते हैं कि जैसे भी कोई भी अपडेट आए तो फौरन से पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स को एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ब्रेन एकेडमी और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले आप तमाम व्यूअर्स तमाम स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम व्यूअर्स तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का मेन टॉपिक आप शुरू में जान चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूं। यूनिवर्सिटी की जानिब से जो पासिंग पॉलिसी के पॉइंट है उसे तलबा को बड़ा रिलीफ जो दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा और आप ये जब सुनेंगे तो आपको भी ये सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगेगा। यूनिवर्सिटी को ऐसा करना भी चाहिए था क्योंकि रिसेंटली जो है अभी बच्चों के जो पेपर हो रहे हैं इससे पहले तलबा की सही से प्रिपेयरिंग भी नहीं हो सकी, तो तलबा को रिलीफ देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स न्यू होते हैं, उन्हें सही से कोई प्रॉपर गाइड नहीं करता, स्पेशली जो प्राइवेट तलबा होते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने घरों में बैठकर तैयारी करते हैं, वो कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, उस टाइम वो स्टडी करते हैं, फिर उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कि असाइनमेंट्स कैसे जमा करवानी, कब जमा करवानी है, बुक्स कब आएंगी, सारी चीज़ें वो अलग अलग से परेशान हो रहते हैं, तो उनका टाइम जो है ऐसे ही जो है स्पेंड हो जाता है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जब आते हैं थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज मिल जाता है, तो इसलिए जो अभी इलामा यूनिवर्सिटी की जो मेरे जरा से अपडेट मिली है, ये अभी जो बड़ी अपडेट आई है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दें, इससे मुझे हौसला अफजाई होगी और ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख पाए। और जिन मेरी बहनों भाइयों स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बंडल ऑफ थैंक्स अगेन थैंक्स। अच्छा, अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के नाम से मेरे जरा से जो अपडेट मिली है, यहाँ पर आप तमाम व्यूवर्स तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉइस सुन लें, मैट्रिक इंटरमीडिएट एफ ए आई कॉम बी ए बी कॉम बी एड बी एस ए डी, उसके बाद बी एड में काफी सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है, 1.5 2.5 4 ईयर्स बी एस में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी इस्लामिक स्टडीज, ये तमाम बी एस में सिंपलीफाई आपको कहना चाहूँगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, इनके ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैट्रिक से आगे बीए तक जो स्टूडेंट्स हैं इनकी वर्कशॉप नहीं होती, इनके लिए थोड़ा सा एक अलग बताया गया है, इनको स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स को किस तरह से पास किया जाएगा और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको किस तरह से पास किया जाएगा बी एस ए डी और बी एड के तलबा को और पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा को। तो मैं तमाम तलबा के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यार आप जब भी अपना रिजल्ट चेक करें तो ए ग्रेड प्लस वहाँ पर मार्क्स लगे हों, आमीन। आप भी व्यूवर्स कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिएगा, हो सकता है किसी की आमीन लिखने से किसी का भला हो जाए। तो इन तलबा के जो असाइनमेंट्स की मार्क्स हैं वो 30% मार्क्स हैं, इन तलबा ने लेने हैं 30% जो यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है, अगर 30% नहीं भी आते तो फिर भी यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, कंपलसरी टू गेट 50% मार्क्स हैं, 70% फाइनल पेपर जो है 70% आपने फाइनल पेपर में मार्क्स लेने हैं, इवन के उसके बाद आपकी वर्कशॉप के जो मार्क्स हैं, क्विज के जो मार्क्स हैं, ये सारे मिलाकर इधर उधर के मार्क्स भी आपने 50% अगर कर लिए जो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ें कंपलसरी हैं और तमाम चीज़ें जो है आपने अटैम्प्ट करनी है, जमा करवानी है, क्लास लेनी है, वर्कशॉप लेनी है, असाइनमेंट जमा करवानी है, ठीक है, सारी चीज़ें कंपलसरी हैं और जमा करवाने के बाद आपके अगर 50+ मार्क्स आते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको पास कर देगी 50%, ठीक है। इसके अलावा जो मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए वही ओल्ड वाली पॉलिसी है, बीए बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी यही पॉलिसी जो है वो लागू होगी, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुई, जैसे कंफर्म होती वो मैं आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।